नमस्कार, आप हैं खबरदार.com के साथ और मैं हूं विदिशा पठारी। नवागत थाना प्रभारी राठौर का किया स्वागत, साक्ष्य को दी विदाई। पठारी, जिले भर के थानों में पदस्थापना को लेकर सर्जरी की जा रही है, जिसका असर पठारी थाने पर भी नजर आया। निवर्तमान थाना प्रभारी महेंद्र साक्ष्य का पठारी से विदिशा स्थानांतरण कर दिया गया है, जिनके स्थान पर दीपक राठौर को थाना प्रभारी बनाया गया है। दीपक राठौर को पहली बार थाने का प्रभार दिया गया है। इसके पूर्व विदिशा, गंज बसौदा, शमशाबाद और भोपाल में बेहतर सेवाएं दे चुके हैं। जिले की नई सनसनी वारदातों का खुलासा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नवागत थाना प्रभारी दीपक राठौर ने बताया कि पीड़ित, दुखी, परेशान, लाचार, मजबूर व्यक्ति को न्याय दिलाना प्राथमिकता होगी। लॉ एंड ऑर्डर का विधिवत पालन करना सर्वोपरि होगा। कोविड 19 की गाइडलाइन का पालन पर फोकस बरकरार बना रहेगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पुलिस को मिलने वाली गोपनीय जानकारी और सूचना तंत्र को मजबूत करने के भरकस प्रयास किए जाएंगे। उधर निवर्तमान थाना प्रभारी महेंद्र साक्य की विदाई के दौरान स्टाफ और पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि 9 महीने के कार्यकाल में सराहनीय सहयोग मिला, भविष्य में नगर व क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर और इसी प्रकार सुख शांति चयन बरकरार बना रहे। इस अवसर पर ASI शैलेंद्र नायक, ASI हिनन सिंह बागड़ी, प्रधान आरक्षक मान सिंह यादव, राजेंद्र शर्मा, आरक्षक रामस्वरूप पांडव, दिलीप धाकड़, महेंद्र गुर्जर, गणेश राम पंथी सहित पूरा स्टाफ मौजूद था। जानने के लिए देखिए हमारी यह रिपोर्ट। सबसे पहली बात रहेगी कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना होने और जो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन चल रहा है वही होता है। दूसरा, अपराध जितने हैं उनका जल्दी से जल्दी निकाल करेंगे और कोई गंभीर अपराध, कोई गंभीर घटना ना घटे और अपराधियों पर और अपराधों पर नियंत्रण करेंगे। बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा हम पेट्रोलिंग करेंगे, अपनी सूचना स्ट्रॉन्ग रखेंगे और हमारा भी प्रयास रहेगा कि अभी तक कोई ऐसी घटना ना घटी तो आगे भी कोई घटना ना घटे, की संख्या बढ़ाई जा सके। ये हमारे गुप्त सूचना रहती है, सूचना संकलन का विषय है। प्रयास हमारा रहता है कि मुख्य हमारे विश्वसनीय हों, अच्छे हों और जो सूचना मिली वो सही हों। उसका प्रयास पिछले सालों में हम अच्छे मुख्य थे, यहाँ भी प्रयास करेंगे कि जो मुख्य रहे वो विश्वसनीय रहे और अच्छे रहे। मुझे नई जिंदगी देने वाले जिंदगी देने वाले यही है सर। बहुत अच्छा लगा मुझे जब इन्होंने बताया मेरी बात हुई आपके बारे में, मैं कैसे कैसे मेरी जिंदगी बची, वाकई रोम रोम खड़ा हो गया। वो तो सहयोग था कि सब ये बहुत तरक्की करेंगे और काफी लंबे समय तक यहाँ बढ़ रहे हैं।